क्या आपको खाना खाते टाइम दर्द महसूस होता है? खाना आपका जो है खाने की पाइप में जाके, फूड पाइप में जाके अटक जाता है। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं इसोफजाइटिस के। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसोफजाइटिस होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लिए क्या डायग्नोसिस होता है, क्या इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, और साथ ही साथ इसके लिए होम्योपैथी कैसे काम करती है। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। हे एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह। अगर आप मुझको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जानते हैं इसोफजाइटिस के बारे में। इसोफजाइटिस होता क्या है? इसोफजाइटिस वो कंडीशन होती है जहाँ पे जो हमारा इसोफेगस होता है, यानी जो हमारा फूड पाइप होता है, ग्रास नली होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है। हमारा जो फूड पाइप होता है वो हमारे माउथ से लेके हमारे पेट को कनेक्ट करता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, और जब यहाँ पे किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को ही इसोफजाइटिस कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो टॉप मोस्ट कारण है वो है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, जहाँ पे जो आपका पेट का कंटेंट होता है, जो भी आपका खाना होता है, वो रिफ्लेक्स करके वापस आपके फूड पाइप में आ जाता है। तो इसकी वजह से आपको फूड पाइप में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जो फूड पाइप की लाइनिंग होती है वो इरिटेट होती है और वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो फूड पाइप में सूजन आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है लंबे टाइम से, इसमें भी स्पेशली अगर आपकी एनएसएड चल रही है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप बहुत टाइम से विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ओवर यूज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस भी इसका एक बड़ा कारण होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपकी फूड पाइप में सूजन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। देन अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है आप में, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी फूड पाइप में, आपकी ग्रास नली में सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या आएंगे? लक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जब आपकी फूड पाइप में जो है सूजन आ गई है, तो आपको खाना निगलने में दिक्कत होगी, खाना निगलने में परेशानी आएगी, खाना निगलते टाइम आपको अटकने जैसा लगेगा कि खाना अटक रहा है, फूड पाइप में जाके एक जगह इकट्ठा हो रहा है, या फिर आपको दर्द महसूस होगा, साथ में सीने में जलन होएगी, आपके गले में भी आपको सोरनेस महसूस होगी, गले में खराशी महसूस होएगी। इसके अलावा आपके माउथ से बदबू आ सकती है, मुंह से बदबू की प्रॉब्लम आ सकती है, आपका खाना जो है बार बार आपके गले तक आ सकता है, तो इसकी वजह से आपको जो है माउथ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इस सारी प्रॉब्लम को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो आपको आपकी फूड पाइप में अल्सर भी बन सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। अगर बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की, तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जनरली क्या होता है, पेशेंट अपनी हिस्ट्री देता है, उसके बेस पे ही मेडिसिन चलाई जाती है, एंटासिड्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन अगर इन सब से आराम नहीं मिलता है, तो फिर डॉक्टर जो है कन्फर्मेशन के लिए इंडोस्कोपी करवाते हैं। अब अगर बात करें कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती है, और इसके लिए क्या आप कर सकते हैं होम रेमडीज़ के तौर पे, तो होम रेमडीज़ के तौर पे एक तो आप अपना खाना पीना सही कीजिए, ज़्यादा तला भुना इस तरह का खाना मत खाइए। इसके अलावा सोने से एक दो घंटे पहले ही खाना खा लीजिए, उसके बाद जब आप सोने जाएंगे तो आपको ज़्यादा गैस के इश्यूज नहीं होंगे, जर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, इन सबसे आपको हेल्प मिल सकती है। होम्योपैथिक रोल के बारे में जानिए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसोफजाइटिस के केसेस में, जहाँ पर आपको फूड नली में सूजन आ जाती है। लेकिन जो मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स बेस पे काम करती हैं। आपके क्या लक्षण हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपको होती है, किस चीज़ से आपको आराम मिलता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आज मैं आपको 3-4 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर आपके लक्षण मैच कर रहे हैं आप ज़रूर लीजिएगा, आपको आराम आएगा। आपके लक्षण नहीं मैच कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए।
सबसे पहली हमारी दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव दवा होती है, जहाँ पे पेशेंट को बर्निंग होती है, चेस्ट में पूरे टाइम बर्निंग बनी रहती है, और ये बर्निंग जो होती है, जलन जो होती है, खाना खाने के टाइम पे, खाना खाने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना जब भी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तीखा है या क्या है, एकदम जलन और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इसके अलावा मिचली सी भी मचती है, नॉजिएटेड फील होता है, दर्द सा महसूस होता है, और फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके अलावा कई बार उल्टी भी हो जाती है, रेस्टलेसनेस बहुत लगती है। तो इस सब तरह के इश्यूज़ में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना वहाँ पे काम करती है जहाँ पे आपको सॉल्वइंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको जलन महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप खाने के साथ साथ पानी लेके बैठते हैं, हर बाइट के साथ आपको पानी लेना पड़ता है, जिससे आपका खाना जो है नीचे जा सके। अगर आप पानी नहीं पीते तो लगता है खाना वहीं पे जाके लोज हो गया है फूड पाइप में और आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरह के इश्यूज़ में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम उन पेशेंट पर अच्छा काम करती है जिनको कंटिन्यू सेंसेशन ही बनी रहती है कि फूड पाइप जो होता है, इसोफेगस जो है, वहाँ पे जाके कुछ रुक गया है और वो अंदर नहीं जा रहा है, और ये प्रॉब्लम जो होती है खाना खाने के टाइम और खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ नॉजिएटेड भी फील होता है खाना खाने के टाइम और खाना खाने के बाद। साथ में एक क्रैम्प लाइक पेन महसूस होता है इसोफेगस के रीजन में, ऐसा लगता है कि कुछ मरोड़ सा उठ रहा है। इस तरह के इश्यूज़ में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। देन फोर्थ हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ पे आपको एक्सेसिव गैस बनती है, खाना आपका वापस हो के मुंह में आता रहता है, रिफ्लक्स होता रहता है, डकारें आती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूला रहता है गैस की वजह से, सीने में जलन महसूस होती है। तो इस तरह के इश्यूज़ की वजह से अगर आपको इसोफेगस में जलन है, इसोफेगस में आपको सूजन है, तो वहाँ पर आप कार्बोवेज 30 पावर में यूज कीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप ये यूज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।